नमस्कार। आज की जो मेरी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है लौकिक व्यवहार। जो सामान्य व्यवहार है हम दूसरे प्राणियों के साथ में, दूसरे व्यक्तियों के साथ समाज के अंदर करते हैं, प्राणी ना करके अगर मैं इसको जीवों के साथ कहूँ तो जो लौकिक व्यवहार है किसी भी कर्ता का, किसी भी व्यक्ति का दूसरे प्राणियों के साथ, दूसरे जीवों के साथ, वो किस प्रकार का है, इसकी सनातन धर्म में किस तरीके से चर्चा की गई है, इस पक्ष पर मैं थोड़ा सा विचार या मंथन या चिंतन अपना अपने रूप से रखना चाहता हूँ, जैसा भी मैं समझाऊँ। तो जो लौकिक व्यवहार है, लौकिक व्यवहार में किसी भी जो व्यक्ति है उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी प्राणी के साथ, किसी जीव के साथ जो व्यवहार है वो किस तरह से है, किस प्रकार से है, ये बहुत मायने रखता है। और जब मैं ये कह रहा हूँ किस प्रकार, किस मायने में है, तो मेरा संदर्भ तुलनात्मक प्रवृत्ति से है, भेद की प्रकृति से है। किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ जब आप भेद करके उसकी अवस्था का, अवस्था शरीर की, अवस्था उसके धन को लेकर, उसकी सामाजिक स्थिति को लेकर, उसके बल को लेकर, जैसे कि बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, ये शरीर की विभिन्न अवस्थाएं हैं, इनको देख करके व्यवहार करना। दूसरा कि कोई व्यक्ति गरीब है, अमीर है, निर्बल है या शारीरिक रूप से बलशाली है, इस तरह से जब हम सामने के व्यक्ति को देखते हैं और उस व्यक्ति को देखकर अपना जो पक्ष है उसके अंदर भेद उत्पन्न कर लेते हैं, तब वो जो व्यवहार होगा उस लौकिक व्यवहार के अंदर व्यक्ति द्वारा बुद्धि के अंदर विकार उत्पन्न करने की संभावना पैदा हो सकती है, हो जाएगी। तो यहाँ जो बिंदु है जिस बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वो लौकिक व्यवहार है कि किसी भी प्राणी के साथ, किसी भी जीव के साथ जो भारतीय परंपरा के अनुसार या भारतीय परंपरा में जो धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार निर्धारित किया है वो ये रखा गया है कि हर प्राणी के अंदर भगवान का अंश है, उसको उस किसी भी भेद के द्वारा अलग ना किया जाए और भेद के द्वारा उसके साथ व्यवहार ना किया जाए, मात्र केवल उसको प्रभु का अंश, परमात्मा का अंश मानकर व्यवहार किया जाए। तो मान लिया जाए कि किसी बालक के साथ में जब हम व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार को अगर बालक की अवस्था, उसका ज्ञान, उसके अनुभव के आधार पर कर दी जाए तो बालक जिसकी एक स्वयं की सत्ता है, जिसका एक स्वयं का अस्तित्व है, उसकी बुद्धि के अंदर एक अपने अस्तित्व को लेकर मान ये ना माना जाए कि बालक जो है उसके अंदर विचारशीलता नहीं है, वो किसी चीज़ का मंथन नहीं कर सकता है चाहे उसकी आयु कितनी भी है। लेकिन व्यवहारिकता में अगर किसी कर्ता द्वारा किसी बालक को या बालक के साथ कुछ इस तरह से व्यवहार किया जाए कि उसका अस्तित्व पर चोट लगे, उसकी स्वयं की सत्ता पर चोट लगे, तो स्वाभाविक है कि उसकी बुद्धि के अंदर कोई विकार उत्पन्न होगा और जो वो विकार है वो विकार उसके व्यवहार में परिवर्तन, या तो तभी एकदम आपको उसी के अनुसार जवाब दे दे, या फिर कुछ समय पश्चात उसको अपने मन में रखें, स्वयं को कष्ट दे या किसी और को कष्ट दे। तो बालक से लेकर वृद्धावस्था
या किसी की निर्बलता या धन के आधार पर किसी के साथ व्यवहार ना किया जाए, मात्र केवल मात्र वो प्रभु का अंश है, इस तरह से व्यवहार किया जाए तो सद्गुणों की वृद्धि होगी और सनातन धर्म के अनुसार जो हमारा धर्म है उस धर्म के अनुसार हम दूसरे प्राणी को भी एक समानता का अधिकार देंगे। तो ये यहाँ एक दृष्टांत मैं आपके साथ मैंने साझा करना चाहूँगा। सनकादि मुनि जो हैं वो ब्रह्मा के चार पुत्र हैं जिनके नाम सनक जी, सनंदन जी, सनातन जी और सनत कुमार जी हैं। इनको विष्णु जी का प्रथम अवतार भी कहा गया है और इनकी जो उम्र है वो सदैव 5 साल की ही रहती है। दृष्टांत क्या है कि सनकादि ने विचार किया वैकुंठ जाकर के श्री विष्णु भगवान से मिलने का। वो वैकुंठ जाते हैं और सातवें द्वार की, सातवें दरवाजे की जब वो ड्योढ़ी चढ़ते हैं, जब उसकी चौखट को पार करने लगते हैं तो जो द्वारपाल हैं जय और विजय उनको रोक लेते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार कर देते हैं, जिसके कारण ना चाहते हुए भी हमेशा शांत रहने वाले सनकादि को क्रोध आ जाता है और वो उनको श्राप देते हैं कि आप वैकुंठ में रह करके ऐसा अभद्र व्यवहार कैसे कर सकते हैं, आप तो पृथ्वी लोक या नीचे के लोक में ही जाने के योग्य हैं। तो इस तरह से उनको श्रापित करते हैं। तभी भगवान विष्णु का वहाँ आगमन होता है और भगवान विष्णु को जब यह पता लगता है तो सर्वप्रथम वो सनकादि का आदर सत्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और जब उनको यह मालूम पड़ता है कि जय और विजय द्वारा ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ तो उन्होंने कहा, देखो मैं आपका श्राप, आपके श्राप को आप मुक्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ ये जो रहा है वो शायद मेरी इच्छा से ही रहा है, तो आप इसको स्वीकार करें और पृथ्वी पर जा कर के या जो नीचे के लोग हैं उस पर जा कर के अपनी तपस्या पूर्ण करें। इसके पश्चात यहाँ वो जो सनकादि मुनि हैं उनका स्वागत करते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं, उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। ऐसा जब सनकादि मुनि देखते हैं तो वो स्वयं भी महसूस करते हैं। तो इस दृष्टांत को मैं बहुत ज़्यादा लंबा ना करके छोटे में चाहूँगा कि यहाँ विष्णु भगवान जो सर्वसमर्थशाली हैं वो सनकादि जो हैं चार मुनि हैं 5 साल की अवस्था में हैं, बालक रूप में हैं, उनको उनका सत्कार करते हैं, उनका आदर रखते हैं, अपना धैर्य रखते हैं, उनका आदर सत्कार वैकुंठ में करते हैं। साथ ही सनकादि जब इस बात को महसूस करते हैं कि उनको क्रोध आया, जो हमेशा शांत रहते हैं, तो वो भी पृथ्वी लोक पर आकर के तपस्या करते हैं और इस तरह से कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो दतिया जिला है उसमें एक गांव है, वहाँ पर चार कुएं हैं, उनको एक तरीके से इंगित करते हैं उनकी तपस्या स्थल को। तो भाव ये रहा कि भगवान विष्णु जो सर्वसमर्थ शक्तिशाली हैं वो भी
बाल्यावस्था में जो संकादी हैं उनके साथ में उचित व्यवहार करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो भारत का जो संस्कृति है उस संस्कृति के अंदर दृष्टांत दे करके ये समझाया गया है, बताया गया है कि एक समर्थ जो सभी ब्रह्मांडों का अधिपति है उसके यहाँ जब बच्चे रूप में संकादि आए हैं तो वो भी उनके साथ में किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो लौकिक व्यवहार का जो तात्पर्य यहाँ है वो सर्वप्रथम जो हम लोगों के सनातन धर्म के अंदर है कि दूसरे जीव को, प्राणी को, व्यक्ति को भगवान का अंश मान लिया गया है और उसके साथ में उसकी उसी अवस्था में व्यवहार किया गया है, ना कि उसको किसी भी रूप में नीचा दिखा करके, नीचा देख करके, निर्बल देख करके, किसी भी ऐसे भाव से हम लोगों की संस्कृति में किसी से व्यवहार नहीं किया गया है। अतः सर्वप्रथम हम अपने आप को देख लें कि जो व्यवहार, लौकिक व्यवहार हम कर रहे हैं उसके अंदर हमने कोई भेद तो नहीं कर दिया है। और दोबारा मैं फिर कह दूं कि जो भेद है, मेरा मतलब भेद से मेरा तात्पर्य केवल जिसके साथ आप व्यवहार कर रहे हैं, लौकिक व्यवहार कर रहे हैं, उसकी जो आयु है उसको देखकर कर उसको देखकर ना करें। बाल्यावस्था है, युवावस्था है या प्रौढ़ावस्था है, शरीर निर्बल है या पुष्ट है, धनाढ्य है या गरीब है, वैभवशाली है, सुंदर है या निर्गुण है, जब इन सभी भेद के साथ हम व्यवहार करेंगे तो बुद्धि के अंदर स्वाभाविक रूप से कोई विकार आ जाएगा और वो जो विकार है सामने जो जहाँ किया गया है उसकी बुद्धि में भी विकार उत्पन्न करेगा। तो बुद्धि स्वयं की और दूसरे की भी निर्मल रहे तो इसके लिए ये जरूरी है कि अस्तित्व को स्वीकार किया जाए और वो जो अस्तित्व है उस प्राणी का, उस व्यक्ति का, उस जीव का वो प्रभु का अंश है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो व्यवहार हैं उस व्यवहार के अंदर पुण्यता आएगी, पारदर्शिता आएगी और जो हम लोगों का व्यवहार है वो सनातनी व्यवहार होगा, धर्म के अनुसार होगा, हमारे शास्त्रों के अनुसार होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको एक छोटे से दृष्टांत का हिस्सा सुनाया, आशा करता हूँ कि वैचारिक मंथन के इस पक्ष में आपको ये जो मंथन है, ये जो विचार है, ये आपको भी इस ओर, इस दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।